हम अभी इस विवादित मुद्दे को छोड़ दिए, मुझे खुले माफिया डिक्लेयर करते हैं ये लोग, तो हम अपनी सफाई अभी कुछ कहना नहीं चाहते। इनके सर्टिफिकेट की भी मुझे जरूरत नहीं है, मेरा रिन्यूअल गाजीपुर की जनता करती है, हमको अपना रिन्यूअल इनसे नहीं कराना है। इनका रिन्यू खारिज कर दिया जाता है और मेरा रिन्यूअल कर दिया जाता है तो कहेंगे क्या। दूसरी बात यह है कि भाई जिन लोगों के पास ज्ञान का भंडार है, भगवान जाने इन लोगों को कहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है। कल महामहिम का एक बयान हमको भी सोशल मीडिया को पढ़ने देखने को नहीं मिला। आप कोई भी उस पर सवाल मत करना, न करने की जरूरत है, लेकिन हमारे ऊपर चढ़ बैठे कोई तो बात समझ में आती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की डिग्री पर ही कोई चढ़ बैठता है कि महात्मा गांधी के पास कोई डिग्री नहीं थी, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि महात्मा गांधी के पास डिग्री थी, और अगर कहेंगे तो अभी उस डिग्री के छाया प्रति आपको उपलब्ध करा सकता हूं। और नहीं, 1888 में उनका एडमिशन हुआ और 1891 में उन्हें डिग्री प्राप्त हुई। वो अदालतों में प्रैक्टिस करते थे, और आप कह दे रहे हैं पता नहीं कहां से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब हम ये सवाल कर देंगे तो ये गाजीपुर जिला है, आप सबको बुरा लगेगा, लेकिन हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, आपका विज्ञान देखना चाहते हैं, आपके जनरल नॉलेज का क्वेश्चन देना पूछना चाहते हैं, और महामहिम से आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि वो डिक्लेयर कर दें कि वो हाई स्कूल की परीक्षा किस सन में पास किए थे, कल ये बता दें। महामहिम हाई स्कूल की परीक्षा किस सन में पास किए थे, मेरा प्रश्न याद करिएगा, और आप लोगों में से कोई इस प्रश्न का उत्तर दे देगा तो जो पुरस्कार कहेगा मैं पुरस्कार दे दूंगा। किस महामहिम की चर्चा हो रही है सर? मैं महामहिम उसी महामहिम की चर्चा कर रहा हूं जिसकी आप करना चाहते हैं। महामहिम से मतलब LG जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूं, उनकी हाई स्कूल के डिग्री की बात कर रहा हूं। हाई स्कूल किस सन में पास किए, किस विद्यालय में हाई स्कूल पढ़े, किस विद्यालय में हाई स्कूल की परीक्षा दिए, और किस सन में हाई स्कूल की परीक्षा दिए, किस सन में हाई स्कूल पास किए, बताइए ना। मैं तो आपके बीच में बैठा हुआ हूं, अगर इसका उत्तर आ जाए तो मुझे बुला लीजिएगा, और इसमें चुप हो जाए तो गांधी पे उंगली मत उठाएं। कहब तलाक जाई धक से।